सरसों की खेती के लिए दोमट या हल्की दोमट भूमि अच्छी रहती है। सिंचित क्षेत्रों में बुआई के 3-4 सप्ताह पूर्व 8-10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर जुताई करनी चाहिए। बारानी क्षेत्रों में वर्षा से पूर्व 4-5 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर 1-2 वर्षा बाद जुताई करनी चाहिए। साथ ही 250 किलो जिप्सम खेत में डालकर भूमि में मिलाने से दाने सुडौल बनते हैं और तेल की मात्रा भी बढ़ती है। जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप रहता हो वहां अंतिम जुताई के समय क्यूनोल फॉस 1.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर जुताई करने से दीमक की रोकथाम की जा सकती है। मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरक देना ठीक रहता है। सिंचित फसल में 60 किलो नत्रजन और 30-40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देना काफी रहता है। नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस की पूरी मात्रा बुवाई से पूर्व अंतिम जुताई के समय उड़ कर देनी चाहिए। बारानी क्षेत्रों में 30 किलो नत्रजन और 15 से 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर बुवाई से पूर्व उड़ कर देना ठीक रहता है। सरसों की फसल में डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करने से फसल की गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।